So thank you so much guys for talking to me and making me really comfortable over here. It says left और 1.5 किलोमीटर के बाद वो यू टर्न मार के यही पे लेके आता है। भगवान जी को देख के ना ताकत आ जाती है सच में। किसी भी कोस्टल एरिया में अगर आप आते हो तो कोस्टल खाना अगर नहीं खाते हो तो फिर आना आपका वेस्ट है। Hey, good morning people, welcome back to my YouTube channel. So, आज फिलहाल 10th of March है और इस particular hostel से checkout कर रहे हैं। Next move-in हो रहे हैं, बाजू के hostel में move-in हो रहे हैं हम लोग, MG Cottage करके, दिखा दूंगा आपको थोड़ी देर में। और यहाँ का जो experience था वो काफ़ी अच्छा था। As I said, it is for bachelors, it is not for family. So, मेरी आवाज़ थोड़ी सी हेवी आती रहेगी, अभी अभी नहा के बाहर निकला हूँ। तो फटाफट जाएंगे वहाँ पे, बैग्स रखेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे मुर्डेश्वर। मुर्डेश्वर कैसे जाना है, क्या रूट प्लान है, सब बता दूंगा। चलो फटाफट निकलते, पहले यहाँ से चेक इन चेकआउट फॉर्मेलिटी करके, चेक इन फॉर्मेलिटी करने के लिए चलो फटाफट जाते हैं। तो चेकआउट कर रहे हैं और इन लोग से मैंने दोस्ती किया था, बेसिकली हॉस्टल में रहने का यही एडवांटेज है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टॉकिंग टू मी एंड मेकिंग मी रियली कम्फर्टेबल ओवर हियर। सो गाइज नाम बता दो एक एक करके। आदर्श, पुष्पक, पुष्पक देन अजिंक्य, ओमकार, हितेश। सो गाइज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप सब लोग कनेक्टेड हो गए मेरे साथ थ्रू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। एंड पुष्पक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द वैल्यूएबल एडवाइस रिलेटेड टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। चलो गाइज निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी मैंने स्टार्ट करके रखी है, थोड़ा सा RPM लेवल नीचे आने देते हैं, उसके बाद फटाफट निकलते हैं। बाजू में ही है कॉटेज, MG कॉटेज जो जो हम लोग का नेक्स्ट है वो बाजू में ही है। उसके रेट्स वगैरह जो भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा मेंशन कर दूंगा। मेजर रीज़न फॉर शिफ्टिंग देयर इज हम लोग को थोड़ा सा चेंज चाहिए था, इसलिए हम लोग ये इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज इज़ द ओनली, ऐसे वो बोलते हैं ना कोर्ट में, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो वो थोड़ा सा थियरी में अप्लाई करके देखते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं रूम्स। चलो दिस इज़ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, MG कॉटेजेस। यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड माहौल है, ये देखो यंग लोग भी है, ऐसा नहीं है, बाइकर्स वगैरह आ चुके हैं। तो अभी देखते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं वहीं पे और चेक इन का फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। ये जो कैफ़े मालगुड़ी है इनका ही है, MG कॉटेजेस का, तो यहीं पे ऑर्डर वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद सीधा मुर्डेश्वर निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट करते हैं, बैग्स वगैरह अंदर रखते हैं, उसके बाद सीधा मुर्डेश्वर। चलो तो भाई ब्रेकफास्ट में मैंने लिया वेज सैंडविच और ये हेल्दी वाटरमेलन जूस। सो ये अपना डॉर्मेटरी है, 1, 2, 3, 4 और 5 बेड है और दैट्स द रूम बेसिकली। और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो सामने ही दरिया दिखता है, मतलब जो पहले वाला हॉस्टल था उधर से भी दिखता था लेकिन यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। मतलब ये देखो ये, और ये गाड़ी मैंने यहीं पे लगा दी है तो ये स्टे भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू विल गेट द आइडिया एग्जैक्टली। और यहाँ पे फैमिली काफ़ी स्टे है, मतलब फैमिलीज भी रुके हैं, तो इट्स कम्फर्टेबल स्टे। चलो भैया फाइनली निकलते यहाँ से, सुबह की ऑलमोस्ट 11:15 हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लड़की के साथ होना, तो लड़कियों की वजह से हमेशा लेट होता है, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ट्रैवलिंग विद अ गर्ल। योजना ने ऑलमोस्ट 3 घंटे लिए मेकअप करने के लिए, 3 घंटे मेकअप करने के लिए लिए उसने। और डिस्टेंस मैंने डाल दिया मुर्डेश्वर का, ये देखो 1 hour and 46 minutes और एग्जैक्टली किलोमीटर्स है 86। तो चलो निकलते भगवान जी का नाम लेके, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। चलो तो भाई मुर्डेश्वर ना राइट टर्न है, लेकिन गूगल मैप ना क्या बोलेगा आपको मालूम है, आपको बता के रखता हूँ यहाँ पे गूगल मैप कैसे कन्फ्यूज करता है। इट सेज लेफ्ट और 1.5 किलोमीटर के बाद वो यू टर्न मार के यहीं पे लेके आता है। तो बेसिकली अभी हम लोग गोकर्णा के पॉइंट पे है, जहाँ पे गोकर्णा अंदर जाता है, पीछे गोकर्णा है, तो यहाँ से राइट ही मारना है आपको। ये तो कि मेन जंक्शन है, यहाँ से आपको राइट ही लेना है, वहाँ पे जाके यू टर्न मार के आना नहीं है, नहीं तो फालतू में पेट्रोल वेस्ट होता है वहाँ पे। ये गूगल मैप का क्या सीन है ना यहाँ पे आके मुझे सच में पता नहीं चलता। तो स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है अभी, एग्जैक्टली 75 किलोमीटर्स के आसपास है। यहाँ पे थंबनेल पिक के लिए रुके थे, लेकिन गर्मी जो भाई साहब इतनी खतरनाक लेवल की है ना, सो जब भी आप हीट में ट्रैवल कर रहे हो ना, मेक श्योर दैट यू विल कैरी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर्स, स्पेसिफिकली बिस्लेरी का जो रैक आता है वो पूरा कैरी करो, सो दैट यू नो यू विल बी हाइड्रेटेड। और जो नींबू शरबत है, कोकोनट शरबत जो भी मिलता है ना बीच बीच में, पीते रहो, कंटिन्यू पीते रहो, इवन इफ यू गो टू वॉशरूम फॉर 10 times, बट यू नो प्लीज ट्राई टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि ये रोड देखो और हीट देखो, बहुत ज़्यादा हीट है यार यहाँ पे, ऑलमोस्ट 38 के ऊपर ही है टेम्परेचर और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ये एक्चुअली शरावती रिवर है
और हम लोग कल वो होनावर के यहाँ पे गए पे थे, वहाँ पे बैक वाटर है, ये राइट साइड में आपको दिखता रहेगा, ये देखो यहाँ पे वो बैक वाटर है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, काफ़ी बड़ा रिवर है ये देखो। सो दिस इज एंट्री गेट बेसिकली फॉर मुरुडेश्वर टेम्पल। ये थोड़ा सा ऐसा गोल्डन टाइप का किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है, उसके बाद गाड़ी पार्क करते और टेम्पल का दर्शन करवाते आपको। तो कार पार्किंग इज 30 रुपीज और मिनी बस या टेम्पो रहेगा तो 70 रुपीज। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी किया प्रॉपरली। चलो अभी पार्किंग के चार्जेस देते हैं और अंदर गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद सीधा दर्शन करते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पॉट। ये देखो कितना, ये बेसिकली 1x में तो आ ही नहीं रहा है, देखो 1x में आ ही नहीं रहा है, ये देखो कितना ह्यूज है यार ये। चलो अभी यहाँ से अंदर जाते हैं। दैट्स द जायंटिक शिवा टेम्पल, काफ़ी सुंदर दिख रहा है यार यहाँ पे, इट्स वेरी नाइस, ऑसम। तो मुरुडेश्वर में आपको स्कूबा डाइविंग भी मिलेगा, ये देखो रीफ एडवेंचर करके कोई तो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन कम हियर फॉर स्कूबा डाइविंग। ये देखो एकदम नज़दीक आ गया मैं, लेकिन यहाँ पे ना खड़े रहने को हो नहीं रहे, हम लोग नंगे पाव आ गए यहाँ पे, और धूप जो है ना बहुत ख़तरनाक लेवल की है, बट भगवान जी को देख के ना ताकत आ जाती है सच में। चलो भाई निकलते, थोड़ा सा फ्रेश हो गया मैं, मुँह पे पानी भी नहीं मार लिया क्योंकि हीट जो है ना भाई बर्दाश्त के बाहर है। कांच खोल देता हूँ और निकल जाते सीधा गोकर्ण। चलो अभी गोकर्ण में जाके लंच करेंगे, एग्जैक्टली कहाँ पे लंच करें मैं दिखा दूँगा आपको, क्योंकि वो जगह जो है वो बहुत अच्छी है। लेट्स सी, लेफ्ट साइड में मुंबई गोकर्ण वो वाला रूट, और राइट साइड में मैंगलोर एंड यू कैन गो टू केरला ऑल्सो। भाई साहब यहाँ पे ना ये देखो स्ट्रे कैटल्स का बहुत ज्यादा इशू है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पैच, कहीं से भी घुस जाती है, मतलब स्ट्रे कैटल्स जो है ना, मतलब गो माता भेड़ बकरी जो भी हो गया बाइक वाले कैसे भी घुस जाते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर इन अ स्पीड लिमिट एंड यू नो ऐसे स्पीड मेंटेन करो ताकि एटलीस्ट गाड़ी कंट्रोल तो हो। तो यहाँ पे सामने एक मेस है विनय मेस करके, देखो सामने दिख रहा है ना वो एंट्रेंस, वहीं पे जा रहे हैं, और ये डाउन टाउन करके एक है बार फैमिली रेस्टोरेंट, इसके सामने ही है। अभी हम लोग विनय मेस में रुके हैं, तो विनय मेस एग्जैक्टली गोकर्ण जो बस स्टॉप है उसके एरिया में ही है, इसका लोकेशन मैं दे दूंगा। हम लोग ने ऑर्डर किया है पॉम्फ्रेट थाली और प्रॉन्स थाली, तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है अभी मैं टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब वर्थ है कि नहीं, तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो ये अपना पॉम्फ्रेट थाली है और ये अपना प्रॉन्स थाली है, तो अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है, लेट्स सी। इफ यू आर कमिंग हियर देन दिस पर्टिकुलर स्टफ इज़ हाईली रिकमेंडेड, प्रॉन्स फ्राई। वैसे तो मैंने पॉम्फ्रेट थाली था, बट मैंने ये एक्स्ट्रा मंगा लिया क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है, मज़ा आ गया, मुझे तो काफ़ी टेम्प्टिंग लग रहा है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि और एक प्लेट मंगा लूँ, लेकिन हाईली रिकमेंडेड दिस प्लेस, नाइस। होटल गोकर्ण ये जो दिख रहा है इसके सामने ही, और ये डाउनटाउन बार एंड रेस्टोरेंट, ये बहुत मतलब ये बेसिकली लैंडमार्क अच्छा है। टोटल बिल हम लोग का 930 हुआ, जिसमें 600 रुपया थाली का था, प्रॉन्स थाली और पॉम्फ्रेट थाली, और एक्स्ट्रा मैंने प्रॉन्स मंगाया उसका 250 हो गया, और स्प्राइट भी ले लिया हम लोग ने, तो टोटल 930 हो गया, विच वॉज अमेजिंग। चलो अभी सीधा चलते हैं अपने हॉस्टल पे, लेट्स गो। वेरी हैवी, पुश पुश, शिट, बस हो गया, थैंक यू, बाय प्रवीण, बाय। चलो भाई, भाई की बाइक अटक गई थी इसलिए मुझे नीचे उतर के हेल्प करना ही पड़ गया, क्योंकि बाइक बहुत हेवी थी यार। भाई शाम के 7 बज रहे और मैं लिटरली 4 बजे वापस आया मुरुडेश्वर से, खाना वगैरह खा के जो भी फिश थाली हम लोगों ने खाया, 4:30 के आसपास वापस आए हम लोग, और जो सो गया ना मैं, मतलब मेरे को मैं लिटरली लाश बन गया था, मुझे होश ही नहीं था। तो अभी फ़िलहाल उठे हैं और देखते हैं कहीं जाते हैं, लेट्स सी। खाना खाने का तो मूड नहीं किया, क्योंकि जो फिश थाली में जो मैंने जो खाया था ना भाई, दबा के खाया था, तो मुझे अभी भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ये रूम के बाहर ये देखो कितना
इतना सुंदर लग रहा है यार, कोई नहीं है यहाँ पे, इतनी शांति है ना। देखो गाड़ी आंखों के सामने है यहाँ पे, और वो पूरा समुंदर, वो देखो शैक्स दिख रहा है पूरा, इट्स लुकिंग ऑसम यार। पिछली प्रॉपर्टी से तो मैं ये प्रॉपर्टी हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। ये देखो काफ़ी अच्छी वाइब है, मतलब यहाँ पे ये प्राइवेट रूम्स भी है और ऐसा सब मिलता है आपको, और वहाँ पे बैठ के वैसे चिल कर सकते हैं, गाड़ी वहाँ पे लगा रखी है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड इफ़ यू आर कमिंग विथ योर फैमिली इट्स रियली नाइस, खाना भी अच्छा है, और जो ओनर का जो बिहेवियर है ना मिस्टर रमेश, ही इज़ रियली नाइस पर्सन, जेंटलमैन है, प्योर जेंटलमैन, तो काफ़ी अच्छा लगा और हमारा दिमाग शांत हो गया यहाँ पे आके। ऐसा नहीं कि यंग क्राउड नहीं आता यहाँ पे, यंग लोग भी आते हैं, बट डिसेंसी थोड़ी ज़्यादा मेंटेन लगती है मुझे यहाँ पे, मतलब समझ सकते हो ना आप क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसमें पानी है भी, डाल देता मैं ये भी। All right people, so let's end this vlog over here only. It's 1:30 AM in the night. मैं थोड़ा सा chill कर रहा था, जो hostel life की public थी जो आपने last vlog में देखी रही, जिनको bye bye बोला था, and starting के video के start में bye bye बोला था, उन लोगों पूरे group में खड़े थे, जैसे कि अजिंक्य, ओमकार and there was one more guy called Guru. तो काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे और उनके साथ बात करके काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही थी और वाइब भी अच्छी थी, तो वहाँ पे मैं बैठा था। और अभी जस्ट वापस आया रूम पे, अभी सो रहा हूँ। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग ओवर हियर ओनली, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू फाइंड दिस व्लॉग इन्फॉर्मेटिव, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।